गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आला कत्ल का एक अदद चाकू, राजघाट वाराणसी से चोरी की गई एक अदद मोटरसाइकिल और दो अदद देसी तमंचा, दो अदद जिंदा कारतूस बरामद किया। और गाजीपुर के एसपी ओमबीर सिंह क्या बोले, देखें पूरा वीडियो। 17 तारीख में एक घटना हुई थी। थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वाराणसी गोरखपुर हाईवे है उस पर महाराज गंज के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसके क्लीनर के साथ मारपीट करके उसके साथ लूटपाट की गई थी। उसी घटना का आज पर्दाफाश किया गया है स्वाट और कोतवाली पुलिस द्वारा, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। और इनके पास जो मोटरसाइकिल मिली है वो भी चोरी की मोटरसाइकिल है, जो वाराणसी से कनेक्ट हुई है। बाकी इनका एक साथी अभी फरार है, सोनू बिन, उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या सर? सोनू बिन का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, यहाँ का शातिर उसमें से है, बदमाशों में से, तथा इसकी मोटस ऑपरेंडी ये है कि ये नए नए लड़कों को तैयार करता है। और शुरू में, क्योंकि पहली बार दूसरी बार में निर्दोषता का अपना फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अन्यथा इन्हीं में भी एक जो बदमाश से बुलट जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसका ये कथन है कि उसे भी याद नहीं है कि उसने कितनी घटना सोनू बिंद के साथ मिलकर की है। पूर्व में ये पुलिस में हिरासत में भी आया था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब ये इस समय इनके विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं, इनके द्वारा स्वीकार भी किया गया।